नमस्कार, अगली खबर है जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले के फलौदी शहर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी को बुरी तरह से पीटा। शिक्षक की इस हैवानियत का वीडियो भी सामने आया है। पिटाई के बाद उसने महिला के कपड़े फाड़ दिए और अर्धनग्न अवस्था में उसे धूप में बिठा दिया। इसके बाद वे घर के अंदर बैठकर खाना खाता रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पीहर वालों को भी घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। उनके यहाँ आने के बाद पुलिस अलग से मामले दर्ज करने की बात करेगी। फिलहाल उसे शांति भंग के आरोप में पकड़ा गया है। शिक्षक के घर में कैमरा लगा है, इसी में उसकी ये हरकत दर्ज हुई। फलौदी थाना अधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि घटना का वीडियो सोमवार को सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कैलाश सुथार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा गया है। उसकी पत्नी और बेटी से महिला पुलिस ने अलग से बात कर पूछा कि क्या वह मुकदमा दर्ज करना चाहती हैं या नहीं। महिला ने बाप क्षेत्र के मायके के लोगों के पहुंचने का इंतजार करती रही, उसके बाद वह कुछ फैसला करेगी, ऐसा उसका कहना है। पुलिस के मुताबिक महिला या उसके पीहर वालों के लोग अगर आरोपी टीचर पर मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो अन्य धाराएं भी जोड़ दी जाएंगी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैलाश ने अपनी पत्नी को घसीट घसीट कर पीटा है। वह बीच बचाव करने आई बेटी को भी नहीं बख्शता। पिटाई के बाद उसने पत्नी के ऊपरी हिस्से के कपड़े फाड़ दिए और उसे खुले में धूप में बैठा दिया। पत्नी धूप में बैठी रोती रही जबकि कैलाश घर के अंदर भोजन करता रहा। उधर कैलाश ने दावा किया है कि मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, मैं उसका इलाज कराते कराते थक गया हूँ, ऐसे में घर में तनाव रहने लगा, इसी तनाव में आज मैं हाथ उठा बैठा, मुझे मारपीट का पछतावा है।